और अब आगे बढ़ते हैं। आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया है। शारदीय नवरात्रि को मुख्य नवरात्रि माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये नवरात्रि शरद ऋतु में अश्विन शुक्ल पक्ष से शुरू होती है और पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा इस बार सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग में हाथी पर सवार होकर आपके घर पर पधारेंगी और फिर 9 दिन के बाद घोड़े पर विदा होंगी। और आज नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो कैसे भक्ति लीन है माँ की भक्ति में, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पांचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान लोग सभी देवी मंदिरों में माँ की आराधना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। कहलावर में झूठ न बोलूं, पाप पुण्य को मन से तोलूं। कहलावर में इसी क्रम से नवरात्र के इन 9 दिनों में क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री देवियों का पूजन होता है। पहले दिन नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना के साथ ही होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आह्वान है।